हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल माय पेट्स एंड पॉपी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज ही लक्ष्मी पूजा, तो आज सुबह से मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। पूरा दिन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मैं तरीके से हमारे घर में पूजा होती है, वही मैं आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं बाहर की काम निपटा लूंगी, तो मैं अकेले से आज मुझे सब कुछ करनी पड़ेगी, बाजार जाना। और हमारे घर में लक्ष्मी पूजा में हमेशा फिश की रिचुअल है, फिश खाना ही पड़ता है, तो इसलिए मैं बाजार जाऊंगी फिश लेने। अकेले से जाने वाली हूँ, तो घर की सब्जी बाजार वो सब भी मैं करने वाली हूँ। उसके साथ साथ मिठाई फूल ये सब भी मुझे लेने के लिए जाना है, तो ये सब कुछ मैं अकेले से करने वाली हूँ। फिर घर में आके आलपूना वगैरह घर का सारा जो भगवान के लिए काम होती है, स्पेशली आज के दिन में लक्ष्मी पूजा के दिन में, वो सब कुछ मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और ये रही मेरी लक्ष्मी पूजा की ड्रेस, आप देख सकते हो ये कुर्ती है। दुर्गा पूजा में मैंने ये कुर्ती ली थी ऑरेलिया से, तो यही कुर्ती मैंने पहनी है, तो पूजा फेस्टिवल के लिए बहुत ही अच्छी है। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएंगे, और अगर आए मेक श्योर एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए मैं बाहर चलती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ। পরে যদি আমি এই কালারগুলো দেখলে না মা আইডিয়া পাবে। लक्ष्मी पूजा के पहले दिन में गई थी लाइट की जो मार्केट है चांदनी धर्मोतला, अगर आप लोग जानते हो तो पता है कोलकाता में अगर रहते हो तो उधर पर ही गई थी। जो चेन लाइट होती है हमारे लक्ष्मी माँ की, जो छोटी सी मंदिर है उसको डेकोरेट करने के लिए लाइट्स वगैरह लाने के लिए गई थी। तो उधर पे मार्केट में मैं गई थी, तो मुझे लगा चलो आप लोगों को भी दिखा देती हूँ कितने सारे वराइटीज़ के लाइट्स है इधर पर। तो मैं कौन सी लाइट ली है वो तो आप लोगों को घर में चल के मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। आज है लक्ष्मी पूजा और मैं आ गई हूँ सुबह सुबह फूल लेने के लिए। तो जो भी माला वगैरह है, फ्लावर की जो तोरा होती है गेट में टांगने के लिए, तो वो सब कुछ मैं लेने के लिए आई हूँ। फिर मैं ये मिठाई की शॉप में जाऊँगी, भगवान के लिए मिठाई लूँगी, फिर मैं ये सब कुछ रख के फिर मैं जाऊँगी बाज़ार में फिश वगैरह ख़रीदने के लिए। तो आज मैं सब कुछ अकेले से कर रही हूँ, स्कूटी लेके आई हूँ मैं। अभी मैं आई हूँ फ़िश मार्केट में फ़िश लेने के लिए, उसके बाद मुझे वेजिटेबल्स भी लेनी है। लेकिन फ़िश मार्केट में ज़्यादातर फ़िश जो है ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि थोड़ी सी आने में लेट हो गई है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ अच्छे फ़िश लेने के लिए, क्योंकि मैं ज़्यादा तो खुद से नहीं करती हूँ बाज़ार वगैरह, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करती हूँ, उतना ज़्यादा मुझे आइडिया नहीं है। तो ये है फ़िश मार्केट। তুমি খালি করে বললে হবে না, হ্যাঁ রাতে বলতে কি হলো বাজারে সবাই দিয়ে দিয়ে তো আলু ছিল, আলু ছিল আমার কত করে রাত্রি 11টা সময় ফোন করতে আমার কি হলো রাত্রি 11টা ফোন হ্যাঁ বন্ধ হয়ে গেলে কত করে এমনি দুটো লোক কম ফুলকপি কত করে? 15 টাকা করে হবে।
लक्ष्मी पूजा, तो इसीलिए जो सारे स्टिकर्स होती है घर में, आलपुना जो देते हैं या फिर स्टिकर्स लगाते हैं इस तरीके से लक्ष्मी माँ की जो पैर होती है, तो वो ही सारे चीज़ों को लेके मैं बैठ चुकी हूँ। तो सुबह के अभी करीब करीब 9:30 बज रहे हैं, तभी मैं फ्रेश होके ये सारी चीज़ें लेके बैठ गई हूँ। तो पूरे घर में जो है इस तरीके की लक्ष्मी माँ की जो पैर होती है वो स्टिकर जैसे, वो हम पूरे घर में लगाएंगे। तो उसी के लिए मैं स्टिकर को इस तरीके से काट काट के छोटे कर ले रही हूँ पूरे घर में लगाने के लिए। और गाइस मैं और भी बहुत सारे मैंने स्टिकर्स लाए हो, जैसे कि ये वाले बहुत ही क्यूट है, लोटस के ऊपर माँ लक्ष्मी जी की पैर है, आप देख सकते हो। और इस तरीके का भी मैंने माँ लक्ष्मी जी की पैर लाई हूँ। तो बहुत ढूंढ ढूंढ के इस तरीके की मैंने स्टिकर्स ली है। ये देखिए माँ लक्ष्मी जी की पैर, और ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है ये वाला। तो कल जब मैं बाज़ार गई थी तब मैं ये सारी चीज़ें, पूजा की सामान वगैरह, ये सारे कुछ मैं लाई हूँ। और उसके साथ गाइस आज मुझे जाना है पेट मार्केट यानी कि गलीब स्ट्रीट, क्योंकि आज है संडे, तो इसलिए बर्ड्स भी मुझे लाना है। तो दुर्गा पूजा के वजह से मैं कुछ दिन गैप दी थी, तो आज के संडे फिर से लक्ष्मी पूजा भी है, तो ये सारे घर का काम निपटा के दिन में जाऊंगी गलीब स्ट्रीट। तो चलिए ये काम मैं झटापट से कर लेती हूँ, नहीं तो मुझे लेट हो जाएंगे। तो फाइनली गाइस अभी 4:30 बज रहे हैं और अभी मैं मेरे रूम पे आई हूँ। तो मेरे रूम पे आप देख सकते हो इधर पे माता की मंदिर है यानी कि लक्ष्मी माँ की, इधर पे जो ये फोटो पिक्चर्स वगैरह है तो इधर पे पूजा होंगे। तभी सारे सामान वगैरह रेडी करनी है, फ्रूट्स काटना, मिठाई वगैरह रेडी करना,
और स्पेशली दरवाजे में जो फ्लावर की तोड़े होती है वो लगाना, उसके बाद थर्मोकॉल की जो बॉल जैसे रहते उसका नाम मुझे नहीं पता है, वो सब कुछ मैंने लगा दिया है। आलपोना भी हो चुकी है, आप लोगों ने देखी। और गाइज मेरी आसपास में जो हमारे रिलेटिव्स रहते हैं उनके घर में जाके भी मैंने आलपोना की है। हो सके तो छोटे से मैं एक वीडियो क्लिप आप लोगों को दिखाऊंगी कैसी लगी मैंने आलपोना ड्रॉ की है, तो बताना ज़रूर। ये सारी चीज़ें तो लक्ष्मी पूजा में बंगाली के लिए स्पेशली ये सब कुछ करना ही पड़ता है, तो ये सब कुछ मैंने की है। अभी मैं फ्रूट्स वगैरह काट के रेडी करूँगी, मम्मा से पूजा करेंगे फ्लावर से भगवान जी को अच्छी तरीके से सजा धजा के। तो हमारे घर में कभी भी पंडित जी से मेरी मम्मा ने पूजा नहीं करवाई है, तो मम्मा खुद से ही घर में जैसे नॉर्मल पूजा होती है वैसे फ्लावर मिठाई ये सब दे के अच्छे घर से पूजा कर लेंगे घर में। तो जो भी होंगे छोटे मोटे से पूजा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ज़्यादातर लोग पंडित जी से करवाते हैं, लेकिन मेरी मम्मा पहले से ही ऐसे घर में छोटे से जैसे घर का पूजा होती है वैसे ही करती है। तो जो भी होंगे आगे चल के दिखाऊंगी। और गाइज अगर ये वीडियो पसंद आए मेक श्योर एक लाइक कर देना। तो बस यही है, तो चलिए मैं काम करना स्टार्ट करती हूँ। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर सब्सक्राइब करके बेल बटन को भी हिट कर लेना। तो चलिए थोड़ी देर बाद में आप लोगों से बातें करती हूँ। Thank you.
चाचा की रूम में आई हूँ तो इधर पे भी पूजा हो रही है तो इसीलिए मैं आई हूँ पूजा में बैठी हुई हूँ। वो था ना माँ कॉफी में सोते थे। বিষ্ণবে ব্রাহ্মণে ভয় নম ওম গুয়ের ভয় নম ওম বৃহস্পতয়ে নম এটি গন্ধ পুষ্পে ওম নারায়ণ বিষ্ণবে নম। স্পেলিং ভুল কে কারণ